वेलकम बैक टू रियल दी मॉर्निंग। अच्छा जी, बड़ी मज़े की कॉन्वर्सेशन हमारी अभी ऑफ कैमरा भी चल रही थी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि यूसुफ साहब ने अभी हमें आके जो बात कही है, उन्होंने डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंस के उस पर कही है और उन्होंने एक बड़ा समझ के हमें कोई बात समझाने की कोशिश की है। यही वो बातें होती हैं जो एक लड़की को डिस्करेज करती हैं रिएक्ट करने से। यही वो बातें होती हैं जो माशरे में ये चीज़ अगर चल रही है तो चलता रहने दो, खुद चुप होकर बैठ जाओ तो वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। जब हम किसी ज्यादती और किसी जोन पे चुप रहते हैं तो वो जुर्म और ज्यादती कभी भी ख़त्म नहीं होती। इसके लिए शोर मचाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है सर? बिल्कुल, इस पे शोर मचाना पड़ेगा, इस पे बात करनी पड़ेगी। सेव योरसेल्फ। और जैसे एक है कि कोई भी अगर आप पे प्रेशर डाल रहा है तो वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी, वो सप्रेस होती रहती है आपके अंदर और वो एक लावा बन के ऐसा निकलता है कि वो मेरे ख्याल में वो बहुत से लोगों की फिर वो मसाइल खड़ा कर देगा। अगर मिसाल के तौर पे बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, बहुत सी ऐसी मूवीज़ में भी आया है कि किसी पर अगर जुल्म होता है बार बार तो वो फिर बाद में रिटेलिएशन ऐसा करता है कि वो पूरी सोसाइटी से बदला लेता है, फिर वो सिर्फ एक बंदे से नहीं, वो सबको फिर वो एक उसी नज़र से देखता है कि सब ऐसे पेशेंट बन गया है। वो अगर बात की उन्होंने कि जो छेड़ने वाला है वो साइकोलॉजिकल पेशेंट है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो वो तो है ही, लेकिन वो दूसरा भी बन जाता है कि वो अपने उसको पता है कि मैंने एक्सप्रेस नहीं करना, मैं मुझे ये रोका गया है कि जो भी हो तुम्हारे साथ तुमने बताना नहीं है, बात नहीं करनी, बस ये है कि चुपचाप चले जाओ। अब वो एक अपने जो उसको दर्द मिल रहे हैं, जो परेशानियां मिल रही हैं वो अपने तक सह रहा है और वही चीज़ें उसकी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। ना सिर्फ साइकोलॉजिकल बल्कि फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी उसकी आ जाती हैं, जैसे उसको खाने भूख नहीं लगती, सोने में उसके प्रॉब्लम आ जाती हैं, ठीक है, नौजिया हो जाता है, एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, या PTSD का एक प्रॉब्लम आ जाता है कि उस जगह से गुजरते हुए वो डरता है, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उस जगह से जब भी गुजरता है तो वो उसको खौफ आता है कि मैं मेरे साथ यहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल वो अपनी जो नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल लाइफ है उससे हट जाता है, तो वो पूरी उसकी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाती है। और उसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि ये इंडिविजुअल के ऊपर इतने इम्पेक्ट हो रहे हैं तो सोशल इम्पेक्ट भी होते हैं। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा वाकया हो रहा है, वो खामोश रहती है या घर में जाकर शेयर करती है तो उसकी तालीम को रोक दिया जाता है। Exactly. फिर उससे क्या होता है, अगर एक बाहर जाना रुक बाहर जाता जाना है। उसकी सोशलाइजेशन रुक जाती है, उसका इंटरेक्शन रुक जाता है और आइंदा आने वाली नस्ल को वो क्या दे सकेगी जब वो खुद अवेयर नहीं होगी, जब उसको वो यही डर जो है वो अपने बच्चों में ट्रांसफर कर देगी। बिल्कुल, और यही हो रहा है हमारी माशरे में कि बोलना नहीं है, आपने अपने राइट्स के लिए आवाज़ नहीं उठानी। उससे यही होता है जो अभी इरफान ने बात की कि आप उसको इतना दबाते हैं फिर वो लावे की तरह फटता है। तो हमें अपनी अब जिस दौर में आज हम रह रहे हैं, आपका मीडिया का इम्पेक्ट इतना नज़र आ रहा है, इंटरनेट फैसिलिटी आपके बच्चे एक्सेस कर रहे हैं, तो हम उनको अवेयर करें कि किस तरह से माशरे में जाकर उन्होंने इंटरेक्ट करना है और किस तरह से उनके साथ अगर अब्यूज़ कहीं पर हो रहा है, हरासमेंट कहीं हो रही है तो उन्होंने नो कहना है। नो कहने की आदत हमने डेवलप करनी है। पीयर प्रेशर के तहत बच्चे कर रहे होते हैं, हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, और फिर उनको ये चॉइस इंतखाब का हक देना पड़ेगा आपको कि वो ये सही रास्ता सेलेक्ट कर सके। सही। एक कॉलेज है हमारे साथ, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपने मजबूर कर दिया मुझे दोबारा वापस। आपने मजबूर कर दिया मेरे बॉस करके। इन लोगों ने मेरी इज्जत रखी, आपके स्टाफ ने कि मुझे कॉल दी। ये सब आपकी कॉल नहीं देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बातों का बड़ा गलत मतलब लिया है और जो आपके साइकियाट्रिस्ट साहब बैठे ये भी बड़ा गलत मतलब ले रहे। मैंने ये नहीं कहा कि एहतजाज ना करे, कुछ करे ना, खामोश इख्तियार करे। मैंने ये कहा जो तरीका आप बता रहे हैं रजिस्टर करने का वो तरीका सही नहीं है। अपने माँ बाप के एतमाद करें, अपने आपकी टीवी सेट को आइए। सॉरी सॉरी फिर भूल गए आप। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो अप्रोच आप इस्तेमाल करने का कह रही हैं ना, उसके बारे में मैंने कहा था कि वो अप्रोच लड़कियों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ऐसा उनके साथ पागल के साथ पागल नहीं बनना चाहिए। उसके लिए कानूनी तरीके हैं, उसके लिए माँ बाप होते हैं, माँ बाप को ट्रस्ट करें, माँ बाप को बीच में डालें। एक चीज मुझे बताएं, ये जो तरीका आपने बताया ना, ये हमारे माशरे में आजकल के माशरे की जो इकतदार हो गई, जो कदरें हो गई, उसमें बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ऐसा करना। ये मिसगाइड हो रहे हैं बच्चियां, और आप खुदा के वास्ते मेरी बात को सुने। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक आंसर करें, ठीक है? एक लड़की
क्लिफ्टन से फॉर इंस्टेंस नाजाबाद गई है, पहली बार गई है अपने छोटे से काम के लिए गई है, ठीक है, वहाँ पे रास्ते में नाजाबाद में उसको किसी ने तंग किया, ठीक है, अब वो क्या करेगी, उसको उस आदमी को गौर से देखेगी, उसका पीछा करेगी कहाँ, और अगले दिन अपने बाप को लेके नाजाबाद पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी ना, सिचुएशन अलग है, एक बस में जाती है, कार में जाती है, हर तबके में मेंटल लोग मिलते हैं, हर तबके में ऐसे लोग मिलते हैं, उसके लिए पुलिस खड़ी होती है, कुछ खड़ी होती है, उनकी हेल्प ले लें, और लड़की की हेल्प तो जरूर करेंगे। वो पुलिस के सामने करते कहाँ हैं, वो तो जगह ही ऐसे ढूंढते हैं जहाँ पे पुलिस ना हो, आप पुलिस को ढूंढने निकलेंगे? ये जो मेंटल इलनेस वाले लोग होते हैं ना, ये बाकायदा सुबह प्लानिंग कर रहे निकलते हैं कि फलाना कॉलेज पे खड़ा होना है, फलाना मार्केट में खड़ा होना है, फलाना जगह खड़ा होना है, बाकायदा प्लानिंग के साथ की जाती है। और आप जो तरीका बता रही हैं, इस तरह इनको और हवा मिलेगी, और तरीके बहुत सारे हैं, पोलाइट तरीके जो हमारे इस्लाम ने बताए अच्छा, हैं, हम उन सब तरीकों पे भी बात करते हैं। बुराई में इन्वॉल्व होने जाएंगे तो ज्यादा नुकसान होगा, और आजकल इतने खतरनाक सिचुएशन है कि खुदा ना खास्ता उनको, अगर आपने आपकी बातों पे या आपके ये जो साइकेट्री साहब बैठे इनकी बातों पे जाएं, ये इलाज करें, उनका मेंटल तरबियत करें, लेकिन ये बाकायदा कुश्तम कुश्ती करना एक लड़की और एक लड़के का बेवकूफाना अमल है। थैंक यू, चले, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। न्यूज हमने फिर आके एक और हमको फिर से देखा था ना, हम लोग को इग्नाइट कर देते हैं। अभी जो बात हम कर रहे थे, यूसुफ साहब ने उसी बात की तरफ इंडिकेशन दिया कि उसको बताना चाहिए, पहले वो कह रहे थे कि नहीं बताना चाहिए। सो व्हाट आर द डिसेंट वेज? अब देखिए, अगर आप पलट के सकेंगे भाई साहब मुझे तंग नहीं करें, तो वो तो और तंग करेगा। उसका तरीका है, उसको भी बोल दें। उसको इस तरह तो नहीं बोला जा सकता भाई साहब, ये तो नहीं, अब ये तो नहीं करेगी वो बेचारी, पहली बार किसी काम के लिए उसे दोबारा जाना नहीं जाने, लेकिन उसे किसी ने तंग किया। अब हम लोग का यही ना कि हम लोग उसको रिटेलिएट इससे करें, क्योंकि हमें उस चीज को रोकना है। बिल्कुल, और जो बल्कि बात की यूसुफ साहब ने, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और बड़े माशाल्लाह से, वो उनकी एज भी बता रही है, माशाल्लाह से काफी एक्सपीरियंस होगा, और इस तरह की सिचुएशन हमसे ज्यादा देखी है उन्होंने। तो ये है, सबसे बेहतर हल ये है कि उनको पहली बात तो ये है, खुद रोकें उनसे कि भाई आप मुझे क्यों तंग कर रहे हैं। अगर वो फिर भी बाज नहीं आते तो आसपास अगर पुलिस नहीं है तो कोई भी कोई और शख्स हो तो उनसे वो मदद ले सकते हैं। लड़कियों के पास एडवांटेज होता है, थोड़ा सा शोर मचाती हैं, आसपास सब भाई बन जाते हैं, सब हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं। वो लड़का, उसने कुछ भी ना किया, वो फिर भी उसको मारने शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, और वो चाहे सिचुएशन वो एंजॉय भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, लेकिन क्या हुआ, उस लड़के को तो वहाँ लेसन मिल गया है ना, कि ही इज नॉट सपोज्ड टू डू इट। और जिस तरह अभी कुछ अरसे पहले किसी जगह पे हुआ था कि वो लड़के के बाल उतार दिए थे लोग, मार मार के, और उसकी मूंछें उतार, ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि उसको उसका मुंह काला करके उसको फिराते हैं, और बहुत सख्त किस्म की सजाएं सुनने में मिलती हैं, मीडिया पे आती रहती हैं। तो ये ऐसा हो सकता है उसका रिजल्ट, उसको ऐसा हो, ये कह सकते हैं कि वक्त के साथ हालात तब्दील हो रहे हैं, लड़कियों में भी शऊर आ रहा है, वो अपने मतलब उन्हें पता है कि किस तरह से नो कहना है, असर्टिवनेस शो कर रही है, पैसिवनेस से निकल के वो असर्टिव बिहेवियर की तरफ चली गई हैं। तो इस तरह की मिसालें फिर हमें नज़र आती हैं, क्योंकि लोग भी इनक्रेज करते हैं कि अगर किसी लड़की ने कहा है, जैसे चाहे वो इंजॉयमेंट के अनसर के साथ आए, लेकिन आपको सपोर्ट तो मिली है, नेक्स्ट टाइम के लिए वही बात कि आइंदा उस लड़के के लिए सबक है, और उस लड़की को भी है कि अगर आइंदा उसकी वायलेशन हो रही है किसी भी राइट की, तो वो आवाज़ उठा सके। और दूसरी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि पुलिस को ही जाके इन्फॉर्म किया जाए, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोशल नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और किसी भी मोहल्ले के बड़े को, इज्जतदार को, जो इस तरह के मामलात को देखता है, ठीक है, अगर हम छोटे गांव देहात की बात करें तो वहाँ कोई बड़ा होता है उनका, उससे बात कर सकते हैं, ठीक है, और अगर कबायली सिस्टम है तो वहाँ भी कोई बड़े होते हैं जो इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख रहे होते हैं, वहाँ के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो उनसे जाके वो बोल सकते हैं कि ये मामला है जी, ये हमें तंग कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को टेकअप करते हैं और इस चीज़ को रिजॉल्व करते हैं उस इशू को। अच्छा, जिस तरह की वो बात करें, वो लोग तो चले हैं, वो तो स्पेसिफिक लोग हैं जो लड़कियों के कॉलेज और स्कूलों के बाहर जाके, वो तो स्पेसिफिक लोग हैं जो शॉपिंग सेंटर और जगह के एरिया टारगेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पीपल जो कि काम से आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, या मार्केट में कुछ लेने आते हैं, वो तंग करते हैं, वो भी किसी एस्पेक्ट पे साइकोलॉजिकल पेशेंट होते ही हैं, लेकिन वो ऐसे डिफाइंड नहीं है कि वो किसी जगह जाके खड़े हो जाएंगे, उनको रास्ते में कोई मिलेगा वो उसको टीस करेंगे, तंग करेंगे, घर आ जाएंगे, ये बिहेवियर भी हमें उनका डिस्करेज करना है, ये भी एग्जैक्टली इसको भी डिस्करेज करना है, और इस पे भी उन्हें रियलाइज करवाना है, जरूरी नहीं है, हाँ प्रोफेशनल होना जरूरी नहीं है कि आप उसके, ये उनको रियलाइज करवाना है कि आप जो एक्ट कर रहे हैं ये अनडिजायरेबल एक्ट है, और इससे आप बाज आ जाएं, और जब उसको, क्योंकि जब आप बोलेंगे नहीं तो उसको पता कैसे
चलेगा कि उसका ये एक्ट है, ये नापसंदीदा फेल है, तो अगर वो आप उस रिटेलिएट नहीं करते तो वो समय तो ठीक है जी, ये एक्सेप्टेबल है, मैं जो भी कहूँगा ये एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको रियलाइज़ करवाएं कि ये सही नहीं है, आप अपना बदलें, अपनी रिवर्स करा।